सफलता के लिए बहुत जरूरी है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कई बार लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए ना रिलेशनशिप की बैंड बजाए गए। नहीं, मेरा एक दोस्त था, उसका लक्ष्य था कि 3 साल में अपने बॉस का बॉस बनना, 3 साल में। लेकिन ये करने के लिए वो इतने जुगाड़ खेलता था, इतने खेल खेलता था, पॉलिटिक्स खेलता था वो, कि सब जानते थे। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहुंच गया वो, लेकिन वहां इतना डिप्रेस रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। ऐसे लोग जो सफलता के ऊपर पहुंच जाते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर वो अकेले होते हैं, और यहां अकेले बैठ के वो या तो सिगरेट फूंक रहे होते हैं या दारू पी रहे होते हैं। क्यों? यहां कोई और है ही नहीं, सब निकाल बेकार आती है, हाई स्वार्थी है, सेल्फिश है वो, और क्या। तो इसीलिए जब रिश्ते नहीं रहते लाइफ के अंदर तो सब खत्म हो जाता है। पकड़ ऐसे लोग जानता हूं, वो ना बिजनेस बहुत बड़ा किया, बच्चा अलग रहते हैं उसके, और वो भी घर में बहुत बड़े बंगले में अकेला रहता है। कितने कमरे का बंगला उसका? 50 कमरे का बंगला है उसका, वहां छुपन छुपाई खेलता है वो अकेले, आई स्पाई धप्पा। किसके साथ? नौकरों के साथ, क्योंकि भी बच्चे कहां गए, वो छूट गए। इस बंगले को खरीदने में मैंने जितना पैसा लगाया उसे इतनी मेहनत की मैंने, पर अपने रिश्ते मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिए। तो रिश्ते जब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सफलता मिलने के बावजूद भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ऐसी सफलता क्या करें जिसमें आप दुखी हैं बाबा? असली सफलता यही है, क्या आप दिल से खुश हैं? अपने आप से पूछिए, वो असली सफलता है। आपने आप से पूछिए, क्या आपके आसपास के लोग आपसे खुश हैं? वो सफलता है। Like अंग्रेजी में कहावत है, सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज जस्ट मनी। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास बस एक ही चीज है, पैसा। सर और कुछ नहीं आपके पास? नहीं साहब, हमारा तो कुछ नहीं बचा साहब, सब छोड़ छाड़ के चले गए, पैसा ही बचा है। गरीब आदमी। हाँ सर, आपके जब कभी आंसू गिरते हैं कोई आता पूछने के लिए? नहीं सर, चले गए, टिश्यू पेपर या बस इसी से पूछ लेते। वाह, रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए रावण क्या करता था, रावण लोगों को इस्तेमाल करता था चीजों को हासिल करने के लिए। जैसे मारीच, खुद के रिश्तेदार है भाई साहब के, उनको भेजे जा तू हिरण बन, तू मर और सीता मेरी हो जाएगी, तू मर। तो ये रावण का एटीट्यूड है कि वो लोगों को इस्तेमाल करता है हासिल करने के लिए, चीजों को हासिल करने के लिए। ये रावण है। और राम जी हैं, राम जी रिश्तों को महत्व देते हैं। राम जी इतना महत्व देते हैं कि एक समय उनके पांव के नीचे बहुत सारे कांटे थे। लक्ष्मण ने कहा, अरे श्री रामचंद्र आपके पांव में इतने सारे कांटे हैं, निकाल दीजिए ना इनको। राम जी ने कहा, जो एक बार मेरे चरणों की शरण ले लेता है मैं उसको त्यागता नहीं। तो कांटों को भी नहीं त्याग ले राम जी, ऐसा प्यार है राम जी का। ओ माय गॉड, सीता मैया से इतना प्रेम है कि वो इतनी मेहनत करके जा रहे हैं, वो वानरों से हेल्प ले रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं लंका तक जाने के लिए, सीता मैया के लिए। अरे माय गॉड, इतना प्रेम कि अयोध्या के अंदर, अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों है? अयोध्या, अयोध्या के अंदर कोई युद्ध नहीं होते, अयोध्या। ना आपस में युद्ध होते हैं, ना बाहर से कोई युद्ध कर सकता है, इतने पावरफुल लोग हैं। लेकिन साथ ही आपस में कोई युद्ध नहीं है, सबका बहुत प्यार है। अयोध्या, लंका सोने की है, अयोध्या सोने की नहीं है। पर तीर्थ क्या कहलाता है, लंका या अयोध्या? अयोध्या, जबकि ये सोने की नहीं है। और ये सोने की नहीं है तो आग कहां लगनी चाहिए, सोने वाली लंका में या झाड़ फूंक वाली अयोध्या में? अयोध्या में, लेकिन आग कहां लगी? लंका में। तो इसीलिए हमें रावण की तरह नहीं रहना कि हम चीजों से प्यार करें, लोगों का इस्तेमाल करें। हमें लोगों से प्यार करना चाहिए, चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए।